हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल फंस गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रोज़ की जो है वो डोरमेंसी कैसे ब्रेक की जाए। अब अक्टूबर आ गया, हमें ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए अपने रोज़ प्लांट से। तो हल्की सी जो मैंने अपने प्लांट की जो है वो प्रूनिंग कर दी थी, पर आपके साथ जो है वो सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी अपने प्लांट की, और 15 डेज बाद जो है फिर रिपोर्टिंग हर एक रोज़ की करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, मैं जो है अपने पोट की जो है रिपोर्टिंग एक यूनिक वे से करती हूँ ताकि मुझे अपने सॉइल कभी चेंज नहीं करने पड़ती। बहुत लोग अपने प्लांट की जो है सॉइल चेंज करते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि सॉइल की जो है वो हमारी सारी न्यूट्रिशन खत्म हो चुकी है तो हमें सॉइल चेंज कर देनी चाहिए। पर मैं सॉइल को इस तरह से यूज़ करती हूँ कि वो अपनी जो न्यूट्रिशन जितनी भी है उसके अंदर वो मेंटेन रखे और काफ़ी सारी जो है हैवी फ्लावरिंग दे। मैं अपने कोई भी प्लांट की सॉइल नहीं चेंज करती हूँ, तो वो सारी टिप्स आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से आप भी अपने प्लांट के जो है पोट के जितने भी सॉइल हैं आप बिना चेंज किए भी अपने सॉइल को पूरा रिच बना सकते हैं और बहुत सारी जो है हैवी फ्लावरिंग रोज़ में ले सकते हैं। तो रोज़ की जो मैंने प्रूनिंग की थी तो अब ढेर सारी जो है कलियाँ आ रही हैं, देख लीजिए आप। पर अभी इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है और कुछ आपके साथ जो है इन स्टीम्स की जो है वो सॉफ्ट रोलिंग करके आपको बताऊंगी कि अगर अपने प्लांट की आपने कटिंग नहीं की है तो आप किस तरह से कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। रोज़ लवर्स जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पुराने व्यूअर होंगे जानते ही होंगे कि मेरे रोज़ कितने ज़्यादा ब्लूम करते हैं एट ए टाइम। 70-80 प्लांट्स जो है ब्लूम करते हैं, जबकि मैं एक रोज़ प्रोफेशनल नहीं हूँ तो भी मैं बहुत अच्छे से अपने रोज़ की केयर कर लेती हूँ। बहुत इजी सी बेसिक से टिप्स बताऊँगी जिससे आप भी अपने रोज़ में बिल्कुल अच्छे से बहुत ईजिली से ग्रो करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत से जो है रोज़ जो है मेरे गार्डन में खिलने शुरू हो चुके हैं, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये रोजेज बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं। और ये जो है इस प्लांट में जो है ये चार रोजेज आए हैं। मेरे प्लांट काफ़ी बड़े थे, मैंने इनको कट कर दिया है। अभी जो है वो 15 डेज हुए हैं कट किए हुए, पर मैं अभी फिर से इसको थोड़ी बहुत कटिंग करूँगी और फिर 10 दिन बाद इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो तब तक तो हो जाएगा मिड अक्टूबर, तो मिड अक्टूबर में रिपोर्टिंग करनी भी चाहिए। तो ये ऑरेंज रोज़ काफ़ी जो है वो ब्लूम कर रहा है और काफ़ी खूबसूरत है। इसमें भी देसी वाला रोज़ भी सही है, इसमें भी इसकी भी कटिंग करूंगी और आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो पहले वो प्लांट का एक ओवर भी दे रही हूँ। ये मिनिएचर रोज़ है, इसकी भी कटिंग करनी है। कटिंग मैंने किया है ऑलरेडी, पर थोड़ी बहुत आज करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप अपने प्लांट की कैसे करोगे। ये येलो रोज़, इसमें भी जो है काफ़ी सारी बडिंग हो रही है और नए स्टीम्स भी आ रहे हैं। ये टाइगर रोज़ भी, इसको भी मैंने पूरा कट किया हुआ था और अब इसमें नई नई स्टीम्स आनी शुरू हुई हैं। ये वाले रोजेज भी अभी ये ज़्यादा ठीक नहीं है, पर इनकी जो है कटिंग करनी पड़ेगी। इसकी मैंने कटिंग की थी। बटन रोज़ भी ठीक ठाक से भी हो रहा है, पर इसकी भी कटिंग करनी है और जो है उसमें भी आपको बताना है कि आप कैसे करोगे। सारे मैं प्लांट्स में बताऊंगी। मैं ये न्यू प्लांट्स लगाया था तो ये भी अच्छे से इसी के स्टीम से, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। पर जो है फ्रेंड्स, इसकी हमें केयर करनी होगी थोड़ी अभी कि ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स बन पाए, अच्छे से बर्ड्स फॉर्मेशन कर पाए। तो चलिए सबसे पहले जो है वो इस प्लांट्स को कैसे हमें कट करना है वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें जो अपना कटर है उसको सैनिटाइज कर लीजिए। आपके पास सैनिटाइजर जरूर होगा या डिटॉल से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि वो जर्म्स फ्री हो सके कि जो हम कटिंग करें उस प्लांट में कोई भी तरह की जो है फंगल इन्फेक्ट ना हो। इस वजह से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा। और सेकेंड स्टेप फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कट कैसे करना है, मैं बता रही हूँ आपको। ये जो है आप कटिंग को देख सकते हैं, ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कट के। ये मैंने परसों ही कट किया था और कुछ फ्लावर्स जो थे वो लगे हुए थे प्लांट में, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़े से बाद में इसको कट कर लूँगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से जो है वो फॉग की जो ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी बिल्कुल क्लियर, छोटी छोटी सी है ग्लिटर की तरह लिप्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर। तो अब आ रहा है धीरे धीरे से विंटर, तो हमें अपने प्लांट्स को रेडी करना है कि रोज़ को बहुत अच्छे से ब्लूम करने के लिए। तो अब आपको मैं एक हाइट में, ये जो देसी रोज वाला है, एक हाइट में मैं इसको काट दूंगी। तो ये मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, तो आपको भी सिर्फ एक हाइट में से ही मतलब पूरे प्लांट को कट करना है। तो
या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा ये घना होता है एक ही हाइट में लगाने का कट करने से। तो ये बहुत ज़्यादा घना था प्लांट, बहुत ही ज़्यादा घना था, पर इस तरह से आप कटर से कट कर दीजिए। ये कटर से ही रोज़ को कट करना चाहिए, ऐसे ये नहीं अच्छे से कट होता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से सभी को मैंने कट कर लिया है, और लिप्स भी चाहें तो आप हटा सकते हैं। लिप्स भी हटा देते हैं हम पुराने वाली, तो अब नई नई लीव्स आएंगी, नई नई ब्रांचेज आएंगी, और फिर ढेर सारे जो है वो बर्ड्स। इस तरह से इसे कट कर लिया हमने, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने सारे रोज प्लांट को कट करना है। ये भी एक प्लांट है फ्रेंड्स, इसको मैंने कट किया था, और बट ऊपर की तरह दो फ्लावर थे, एक फ्लावर तो निकल गया, तो हम इसे भी कट देते हैं, एक फ्लावर है तो भी, क्योंकि बार बार इसको भी कट कर देते हैं हम। तो हम इस तरह से इसको भी कट कर देंगे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सारी जो है वो मैंने सब लीव्स हटा दिए हैं, सारे जो है स्टेम्स को कट कर दिया है, तो भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा, और बहुत सारे नए नए जो है वो शूट्स आएंगे, बहुत सारे जो है वो ब्रांचेस आएंगे, और फिर ढेर सारी अनकाउंटेबल फ्लावरिंग होती है, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोज में देखा होगा। इस रोज़ को तो मैंने पूरा ही कट किया था, और ये जो लगभग सब नए नए ही निकल रहे हैं, तो मैं जो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो प्रूनिंग करनी है वो कर रही हूँ आपके साथ। आप भी अपने रोजेज में से कर लीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप जल्दी से कर लीजिए प्रूनिंग। एक बेस्ट मौसम आ चुका है रोज़ की जो है वो प्रूनिंग करने वाली। सारी लिप्स मैंने हटा दी थी, तो ये सब लिप्स जो है थोड़ी सी पेल हो गई थी, तो मैंने हटा दिया था सबको, पीली पीली सी हो गई थी। तो लिप्स भी आप हटा सकते हैं, कोई वो नहीं है, लिप्स आप हटा सकते हैं बिल्कुल। और सारी जो है वो आप स्टीम्स भी सारी कट कर सकते हैं। प्लांट्स बहुत बड़े बड़े थे, आप अगर पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा पूरा कट कर दिया था मैंने, और ये अब निकल रहे हैं। इनकी हाइट के अनुसार मैंने बहुत ज़्यादा कट किया था इनको, ये कम से कम हो गए थे मेरे 4.5 से 4.5 फीट के, और अभी मैंने इनको काट काट के 2 फीट के करीब पे कर दिया है, 2 फीट से भी कम 1 फीट कर दिया है काट के, और ये 3 से 4.5 फीट के हो गए थे। बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं मेरे प्लांट्स, सारे प्लांट्स मेरे ही बिस्कस हो, रोज हो, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शायद केयर से बहुत ज़्यादा मतलब इनकी हाइट हो जाती है, हिबिस्कस हो या कोई भी प्लांट हो, इनकी बहुत हाइट हो जाती है फ्रेंड्स, और वो काफ़ी अच्छे से इतने ज़्यादा फ्लावर्स भी करते हैं कि बहुत लोग मुझसे मतलब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, क्या करते हो आप अपने प्लांट में। बहुत अच्छी जो है उनकी वंडरफुल ग्रोथ रहती है, बिल्कुल एकदम आपको लगेगा ना कि यस एक्चुअल हेल्थ इज हेयर। तो बहुत प्लांट की जो है अच्छी हेल्थ होती है। अभी रोज़ में देखिए कि जो है कितने बड़े साइज़ का फ्लावर आता है, पर अभी जो है वो छोटे छोटे आ रहे हैं, इतने छोटे भी नहीं है ये, मतलब आप सोच सकते हो ये मैं छोटे बोल रही हूँ आपको, तो बड़े वाले कितने बड़े होते हैं ये, आप हैंड से कंपेयर करो साइज, छोटे नहीं है ये भी, तो भी इससे बहुत बड़े बड़े साइज़ आते हैं फ्लावर्स में इसमें। तो रोजेज की अब जो है फ्रेंड्स हम करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, आप ध्यान से सुन लीजिए, चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लेना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है रिपोर्टिंग करने वाली हूँ मैं इसका 1 हफ्ते से 15 दिन बाद, तो आपके लिए एक वीडियो ज़रूर उसके ऊपर रहेगा, उसको अच्छे से देखिएगा, अपने प्लांट की भी कीजिएगा, ताकि मेरे प्लांट के साथ साथ आपके प्लांट में भी हो ढेर सारी फ्लावरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।